ਲੰਗੇ ਦਿਨੀ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। लंगे दिनी अबोहर च दलितां ते होए तशद्दद दा मुद्दा कांग्रेस ने चुकिया अते ऐसे मुद्दे ते पंजाब सरकार नू बर्खास्त करन दी मांग कीती। कांग्रेस दे मीत प्रधान राहुल गांधी ने इस मुद्दे ते पंजाब सरकार दे नाल नाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू भी घेरिया तां अकाली दल ने कांग्रेस नू इस ते सियासत ना करन दी नसीहत दित्ती। पंजाब में दलितों को मारो, दैट इज नरेंद्र मोदी जी इज थिंकिंग एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। It is not acceptable to the people of Kerala, to the people of Punjab, to the people of Assam, and to the people of India. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, जिस विच बीएसपी ने भी विरोधी धिर दा साथ दिता तां बीजेपी ने इस नूं सूबा सरकार दा मामला कहंदे होए इतराज जताया कि सूबियां दे मुद्दे सदन विच चुकना सही नहीं है। मिस्टर शिवलाल डोडा ने अपने फार्म हाउस पे बुलाकर उसके दोनों पांव काट लिए और दोनों हाथ काट लिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में नहीं है, इसलिए बीजेपी और अकाली दल की सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जब से पंजाब में अकाली और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी है तो तब से लगातार वहां पर जो दलितों का है बड़े पैमाने पर विभिन्न स्तर पर उनका उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी चीज ये कि इस तरह के किसी भी मुद्दे की हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और हम चाहेंगे कि जो राज्य सरकार है वो जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए। तो हम दस दईए कि शनिचरवार नु फाजिलका दे अबोहर विच ए मामला सामने आया सी जिथे दो दलितां दे हाथ पैर वार दिते गए सन अते उन्हां विचों एक शख्स की मौत हो गई सी जबकि दूजे की हालत गंभीर दसी जा रही है। कांग्रेस का इल्जाम है कि मुलजम अकाली दल का आगू है। दिल्ली तो पंकज कपाही के नाल ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।